हेलो स्टूडेंट्स, अपना बिल्कुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारी स्टैंडर्ड बुक आरएस अग्रवाल के सॉल्यूशंस का एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1C का वो है एड करना है हमारे को। यहाँ पे 6 क्वेश्चन गिवन है, इसमें उन सभी को एड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें इन दोनों को एड करना है, तो पहले इनको एडिशन फॉर्म में लिख लेते हैं, बीच में प्लस का साइन लगा के 4/5। फिर क्या करना होगा हमारे को, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इस 5 को इस 5 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम होगा, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आएगा। बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, 5 को इस 5 को इस 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। तब दोनों को सम करोगे तो क्या होगा, 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2/5। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो पहले इनको एडिशन फॉर्म में लिखते हैं, -6/11 प्लस -4/11। तो पहले ये प्लस और माइनस आगे फर्दर सोल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा, -6/11 प्लस माइनस, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 4/11। एलसीएम लोगे तो 11 आएगा, 11 इस 11 में इस 11 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम होगा, 1 को -6 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस। फिर 11 को 11 से डिवाइड करोगे, 1 टाइम होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। जब दोनों को एड करोगे, -6 और -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय 11। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। सिमिलर क्वेश्चन ऐसा है ये वाला भी, -11/8 प्लस 5/8। जब दोनों का एड करोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ऊपर कितना आएगा, -11+5। जब आगे सोल्व करोगे तो कितना आएगा, -6/8। इसको यही नहीं छोड़ना है, आगे ये फर्दर देखो क्या हो रहा है, ये 2 से 3 टाइम डिवाइड हो रहा है, ये 4 टाइम डिवाइड हो रहा है। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा हमारा, -3/4। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। आगे वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसको क्या लिखेंगे, -7/3 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, फिर ऊपर क्या हो जाएगा, -7+1। तो यहाँ क्या होगा, इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, तब जाके -7 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ऊपर -6, नीचे हो जाएगा 3, -6 क्यों आया, 7 - 1 करेंगे, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तो जब भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तो हमें क्या करना होता है कि लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 6 आया। लार्जर नंबर नेगेटिव था इसलिए माइनस का 6 आएगा। और ये कितने टाइम्स डिवाइड हो गया, 2 टाइम डिवाइड हो गया, तो आंसर कितना हो गया, -2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, इसको लिखेंगे कैसे, 5/6 प्लस -1/6। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/6 हो गया। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ऊपर 5 - 1 बच जाएगा, फर्दर सोल्व करने पे कितना, सोल्व करने पे कितना आएगा, 6/4। ये भी आगे डिवाइड हो रहा है 2 टाइम और ये 3 टाइम 2 से, तो ये कितना हो गया, फाइनल रिजल्ट हमारा 2/3। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, -17/15 प्लस -1/15। जब आगे सोल्व करोगे तो -17/15 ये प्लस माइनस -1/15 हो जाएगा। जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। इस 15 में 15 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम होगा, 1 को -17 से मल्टीप्लाई करोगे, -17, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। इस 15 में 15 से डिवाइड करो, 1 टाइम होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। जब आगे सोल्व करोगे तो -18/15। तो देखो ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 6 टाइम और ये 5 टाइम, तो रिजल्ट कितना आएगा, -6/5। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, एड करना है हमारे को। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में सभी के डिनोमिनेटर सेम थे, यानी कि वो लाइक वाले नंबर्स थे। यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले तो एडिशन फॉर्म में लिख लेते हैं दोनों को। तो 3/4 प्लस -3/5, आगे सोल्व करने पे कितना बनेगा, 3/4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस -3/5। तो अब यहाँ क्या करना है हमारे को, दोनों का एलसीएम लेना है। 4 और 5 का जब एलसीएम लोगे 20 आएगा। आप लोग साइड में लेके देख सकते हो, 20 को हमें 4 से डिवाइड करना है, 5 टाइम होगा, 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15, बीच में माइनस है तो माइनस। इस 20 को इस 5 से डिवाइड करना है, 4 टाइम होगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। जब आगे ऊपर सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 3, और नीचे कितना है, 20। तो ये क्या हो गया हमारा, रिजल्ट हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है, 5/8 माइनस प्लस -8/9। जब आगे सोल्व करोगे तो क्या होगा, 5/8 प्लस माइनस -8/9। अब इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो जब आप लोग एलसीएम लोगे तो आप कितना निकल के आएगा, 72 निकल के आएगा। तो देखो
इस 72 के अंदर 8 से डिवाइड करोगे 9 टाइम होगा, फिर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर इस 9 से 72 के अंदर डिवाइड करोगे तो 8 टाइम होगा क्योंकि 9 8 से 72 होता है, फिर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 64 आएगा, फिर इसमें से क्या करोगे बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आएगा देखो भाई, यहाँ पे अगर 65 होता तो कितना होता 20 आ जाता, लेकिन यहाँ पे 64 ही है तो एक कम है तो कितना आएगा माइनस का 19 डिवाइड बाय 72। माइनस का क्यों आया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बड़ा है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ क्या होगा सेम वही क्वेश्चन है, इसको पहले एडिशन फॉर्म में लिख लो, माइनस 8 अपॉन 9 प्लस 11 अपॉन 6 हो गया, फिर एलसीएम लोगे तो 6 और 9 इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा 18 आएगा, फिर इस 18 में 9 से डिवाइड करो 2 टाइम होगा, 2 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 16 हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस हो गया, इस 18 को 6 से डिवाइड करोगे 3 टाइम होगा, 3 को क्या करना है 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 33 होगा, इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा देखो 17 डिवाइड बाय 18, 17 पॉजिटिव आएगा, क्यों क्योंकि ये 33 ग्रेटर नंबर है जो कि पॉजिटिव है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है माइनस 5 अपॉन 16 प्लस 7 अपॉन 24, आप लोग इन दोनों का जब एलसीएम निकालोगे तो ये निकल के आएगा 48। तो करना क्या है 48 में 16 से डिवाइड करो 3 टाइम होगा, 3 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो माइनस 15 होगा, बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 48 को 24 से डिवाइड करो 2 टाइम होगा, 2 को इससे 7 से मल्टीप्लाई करो तो 14 होगा, फिर देखो माइनस 15 और एक प्लस का 14 तो माइनस 1 डिवाइड बाय 48। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में नेगेटिव का नंबर है तो आप क्या कर सकते हो, इसको चाहो तो ऊपर क्या कर सकते हो माइनस 7 अपॉन 18 भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ 7 अपॉन माइनस 18 बोलो या माइनस 7 अपॉन 18 बोलो, तो मैं क्वेश्चन के अंदर माइनस 7 अपॉन 18 लिख के आगे सॉल्व कर रहा हूँ, तो माइनस 17 अपॉन माइनस 7 अपॉन 18 प्लस 8 अपॉन 27, जब आप लोग इसका एलसीएम लोगे तो वो आएगा 54। ठीक है, 54 को 3 से डिवाइड करोगे तो मतलब 18 से डिवाइड करोगे 3 टाइम होगा, 3 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 21 आएगा, प्लस 57 में क्या करना है 27 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम होगा, 2 को फिर हमारे को किससे मल्टीप्लाई करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 16 आएगा, और आगे ऊपर सोल्व करोगे तो माइनस 5 बनेगा डिवाइड बाय 24। आई होप आप लोगों को 54 आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे दोनों को नेगेटिव नीचे है तो कॉमन ऊपर मान सकते हैं, माइनस 1 अपॉन 12 प्लस माइनस 2 अपॉन 15 बोला जा सकता है इसको, आगे और सॉल्व करोगे तो माइनस 1 अपॉन 12 प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 15 बोल सकते हैं। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, जब 12 और 15 का एलसीएम लोगे तो वो आएगा 16, क्योंकि 60 वो सबसे छोटा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड होता है वो 15 से भी डिवाइड होता है। तो देखो 60 के अंदर हम लोग क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम होगा, 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5 आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, इस 60 को 15 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा, दोनों को ऊपर कंबाइन करोगे तो माइनस 6 माइनस 13 अपॉन 60 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 4, तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, नीचे 1 लगा सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा एलसीएम का, इस 4 में इस 1 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम होगा, 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 होगा, प्लस इस 4 में इस 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, माइनस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाय 4, तो इसका रिजल्ट कितना हो गया माइनस 1 अपॉन 4। फिर आगे इसको सोल्व करना सेम क्वेश्चन ये भी ऐसा ही 1 2 प्लस माइनस 5 अपॉन 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 5 अपॉन 4, 2 के नीचे क्या लगा सकते हैं डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, इस 4 में 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 टाइम होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, इस 4 में इस 4 से डिवाइड करोगे 1 टाइम होगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, तो 8 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा 3, तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 3 अपॉन 4। आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है 0 में हमें ऐड करना है माइनस 2 अपॉन 5, तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, 0 में से कुछ भी माइनस करो उतना ही रिजल्ट आएगा निकल के, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 5, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।